नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे आरएमसी जून 2024 एग्ज़ाम के लिए क्या बारीकियां हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको एग्ज़ाम के दिन ले जानी है अपने साथ में। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ। बाकी मैथ्स में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगी उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ, और एक दीपक सर का भी डिटेल्ड वीडियो आएगा जीएस में या जीके में आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए रहेंगी। ठीक है, या क्या क्या बातों का आपने ध्यान रखना है। उसी तरीके से अंकिता मैम इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ लाएंगी कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने क्या अप्रोच रखनी है या एग्ज़ाम के दिन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आरएमसी जून एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम के दिन ले जानी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो एडमिट कार्ड ही इम्पॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड के बिना तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी, तो एडमिट कार्ड मुझे लगता है कि सभी बच्चों के आगे होंगे। जिन बच्चों के एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं तो वो चिंता ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि 8 तारीख से पहले पहले आप सभी को एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। ये भी देखा गया है कि एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले भी एडमिट कार्ड्स पहुँचे हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी कारणवश किसी पेरेंट्स ने एड्रेस कुछ गलत डाल दिया है तो ये भी होता है कि उनको एडमिट कार्ड नहीं मिलता। और कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मंगाते हैं आरएमसी की वेबसाइट से, और उनको लगता है कि हमने आरएमसी का फॉर्म भर दिया। ओके, क्योंकि उसमें भी कुछ बच्चे की डिटेल्स डालनी पड़ती है, उनको लगता है कि हमने ऑनलाइन फॉर्म भर रखा है, अब हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो ऐसा नहीं होता है। शायद से कुछ पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि आप ऑनलाइन के थ्रू वो एप्लीकेशन फॉर्म मंगाते हैं, उसको फिर ऑफलाइन ही भरना पड़ता है और रिस्पेक्टिव अपने स्टेट्स में भेजना पड़ता है, तब जाकर स्टेट्स एडमिट कार्ड्स इशू करते हैं, आपको आता है, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले एडमिट कार्ड आपको साथ में रखना है, डू रिमेंबर इट। अच्छा, एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ। ओके, बहुत सारे सेंटर्स में चेक नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप साथ में रखिए, और आप चाहें तो साथ में एक फोटोकॉपी भी रख सकते हैं अपनी वैलिड आईडी प्रूफ की। ओके, साथ में ओरिजिनल भी कैरी करना आप ज़रूर। ठीक है, कभी कभी ओरिजिनल भी मांगते हैं, और साथ में एक फोटोकॉपी भी कैरी करना। अच्छा, सेकेंड मैं आता हूँ कार्डबोर्ड के ऊपर। कार्डबोर्ड मैं इसलिए कैरी करने के लिए बच्चों से कहता हूँ क्योंकि जितने भी ये एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स किसी ना किसी गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, जहाँ पर स्कूल की हालत अगर मैं कहूँ या क्लास में जो टेबल्स और चेयर्स की हालत है वो ठीक नहीं होती। तो जब आप एग्ज़ाम देंगे, जो शीट्स आपको मिलेंगी, अगर आपको टेबल प्रॉपर नहीं मिला तो आप कैसे हैंडराइटिंग अच्छी बनाएंगे या आप किस तरीके से अच्छे से काम कर सकते हैं, तो उसके लिए बड़ा रिक्वायर्ड है कार्डबोर्ड। मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी किसी एग्जामिनेशन सेंटर में कार्डबोर्ड को अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आप इसको ज़रूर ले जाइए। अगर सेंटर में आपसे मना कर देंगे कार्डबोर्ड ले जाना इज़ नॉट अलाउड, तो आप कार्डबोर्ड बाहर ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन ले जाना ज़रूर। अगर किसी सेंटर में अलाउड कर देंगे तो वहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी सुविधा रहेगी। अच्छा, कार्डबोर्ड के साथ साथ स्टेशनरी वाले आइटम्स क्या हैं बेसिकली? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन्स हैं वो आपके बॉल पेन्स हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आरएमसी में सिर्फ बॉल पेन्स ही अलाउड हैं, तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि ब्लैक और ब्लू बॉल पेन आप अपने साथ पकड़ लीजिएगा। 2 ब्लैक पेन और 2 बॉल पेन काफ़ी है। ब्लैक पेन से हेडिंग देने के काम आएगा, मैंने कहा है। जैसे कि आप मैथ्स में पार्ट बी पहले कर रहे हैं, तो पार्ट बी हेडिंग जो रहेगी वो आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं, और फिर ब्लू पेन से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इस तरीके से। और मैंने यहाँ एक बात और बच्चों से कही थी कि जो भी आपके बॉल पेन्स हैं, जो भी आपको लगता है कि ये बेस्ट है मेरे लिए, वो आप पहले ही चुन लीजिए। अब लास्ट मोमेंट में कोई नए टाइप के बॉल पेन्स मत लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप कंफर्टेबल ही फील ना करें एग्ज़ाम के दिन, तो कहीं ना कहीं वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ही अपने पेन्स चुनने पड़ते हैं, अपने वेपन्स चुनने पड़ते हैं, तब बच्चा एग्ज़ाम के दिन बहुत बेहतर करता है। ठीक है, तो बॉल पेन्स ले जाना मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 ब्लैक और 2 ब्लू बॉल पेन्स। बॉल पेन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेल पेन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाउंटेन पेन्स। ठीक है, अच्छा, साथ साथ ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आरएमसी के मैथ्स के पेपर में पूछा जाता है, तो अपने साथ प्रोटेक्टर, कंपास अलग से कैरी करना, रूलर कैरी करना अलग से जेब में डालकर मत ले जाइएगा। पूरा का पूरा एक ज्योमेट्री बॉक्स कैरी कीजिएगा, उसमें पेंसिल भी कैरी कीजिएगा, क्योंकि जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वहाँ पर यू नीड अ पेंसिल ऑल्सो। ठीक है, पेंसिल की हेल्प से ही आप विद द हेल्प ऑफ रूलर, विद द हेल्प ऑफ कंपास, जो भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो भी फिगर बनाएंगे, उसमें पेंसिल का ही यूज़ किया जाएगा। सो अपने साथ पेंसिल कैरी करना मत भूलिएगा। अच्छा, साथ ही साथ अब क्योंकि देखिए अब ये एग्ज़ाम क्योंकि समर सीज़न का एग्ज़ाम है, ठीक है, और गर्मी आपको मालूम ही है कि किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो मैं ये एडवाइस है सभी बच्चों से कि अपने साथ हैंकर चीफ ज़रूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि हाथों में पसीना आना,
या एग्ज़ाम के दिन, क्योंकि गवर्नमेंट सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो आपको बताइए कि वहाँ पर सिर्फ आपको फ़ैन ही मिल सकता है, उसके अलावा एसीज़ तो मिलेंगे नहीं आपको, तो पसीना आना बड़ा लाजमी है आपके लिए, और आपको कहीं ना कहीं वो इरिटेट भी करेगा एग्ज़ाम के वक्त, हाथों में पसीना आना, पेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास हैंकर चीफ है तो आप अपने हाथों को अच्छे से पोंछ सकते हैं, अपना पसीना पोंछ सकते हैं, तो हैंकर चीफ ज़रूर कैरी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी कीजिएगा। अब वाटर बॉटल में एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी कभी कहते हैं कि मेटल वाटर बॉटल आप कैरी नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो आप वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट कैरी कीजिएगा, साथ में उसमें ग्लूकॉन डी ज़रूर मिलाइएगा। ग्लूकॉन डी आपको वो एक्स्ट्रा एज ज़रूर देगा एग्ज़ाम के दिन, ठीक है, कुछ ना कुछ वो एनर्जी आपको देगा, क्योंकि गर्मियों के दिन है और कहीं ना कहीं बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो ग्लूकॉन डी ज़रूर कैरी कीजिएगा। लेमन वाला फ्लेवर मैंने स्पेशली इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एक तरीके से पानी जैसा ही है, ट्रांसपेरेंट ही है। कभी कभी कलरफुल अगर आप ग्लूकॉन डी ले जाते हैं, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, तो हो सकता है कि वो आपको मना कर दें, ठीक है, तो लेमन फ्लेवर वाला डालिएगा। और मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन सेंटर वाले मना करेंगे क्योंकि वो समझते हैं, आप भी बच्चे हो, वो समझते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट तो है ही है। तो कुछ ना कुछ हाइड्रेट जो भी आपको लगता है, मैं आई एम नॉट स्पेसिफिकली प्रमोटिंग ग्लूकॉन डी ओनली, जो भी आपको लगता है, व्हाटएवर यू फील, अगर आपको कोई भी हाइड्रेट अगर आपको मिलता है मार्केट से, जो भी बेस्ट कंपनी का है, उसे आप कैरी कीजिए बच्चों के लिए। टैंग भी आता है, बच्चे कुछ भी कैरी कर सकते हैं एज पर देयर चॉइस, ठीक है, तो अपने साथ ज़रूर कैरी करें। बॉटल में सफिशिएंट पानी होना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं, और एग्ज़ाम जैसा माहौल है तो वैसे ही बच्चा नर्वस होता है, थोड़ा सा टेंशन में भी होता है, तो साथ साथ पानी कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो पेरेंट्स इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका जो टेस्ट होगा, जैसे मैथ्स का हुआ 9:30 to 11, उसके बाद बीच में ब्रेक मिलेगा, तो पेरेंट्स अरेंज करेंगे आपके लिए पानी, उसमें ग्लूकॉन डी ऐड करना एंड ऑल, वो पेरेंट्स का टेंशन रहेगा, तो वो पेरेंट्स उसको करेंगे। अच्छा, साथ में मैं बच्चों से कह रहा हूँ कि आप बिस्किट्स भी कैरी कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो पहला पेपर है 9:30 से 11 होता है, 11 से 12 घंटे का गैप बीच में मिलता है, तो उस 1 घंटे के गैप में बच्चों को कभी भूख लग जाती है, तो कभी कभी बच्चे को वो अलाउ नहीं करते अपने सेंटर से बाहर निकलना उस 1 घंटे के गैप के लिए, तो उसमें अगर बच्चे के पास कुछ बिस्किट्स हैं, बच्चा कैरी कर रहा है तो वो खा सकता है, तो आप बिस्किट्स करिए। ग्लूकोज बिस्किट्स आते हैं पार्ले जी के, अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग पार्ले जी, आप कोई से भी बिस्किट ले लीजिए, क्योंकि सिंपल ग्लूकोज बिस्किट्स हैं, तो इसलिए हम पार्ले जी ज़्यादा बच्चों को रिकमेंड करते हैं। अच्छा, साथ में घड़ी देखिए, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ में घड़ी कैरी करना भी ज़रूरी है। घड़ी एनालॉग होनी चाहिए या घड़ी डिजिटल होनी चाहिए, हाँ लेकिन मेरी तरह स्मार्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो स्मार्ट वॉचेज आर नॉट अलाउड। आप अगर कोई भी स्मार्ट वॉच ले जाएंगे तो उसको वो जब्त भी कर सकते हैं, आपको एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम देंगे, तो फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये टाइम बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो घड़ी का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, ओके। मैथ्स के पेपर में आपको टाइम देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ इतने क्वेश्चंस हैं, टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, टाइम देखना बार बार बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो इसलिए घड़ी कभी कभी एग्जामिनेशन सेंटर में आपको नहीं देखने को मिलेगी। वैसे तो सभी एग्जामिनेशन सेंटर में होती है, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड आप घड़ी अपने साथ कैरी कीजिएगा। तो यही कुछ आइटम्स हैं जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कैरी करना है, ठीक है, तो छोटी छोटी बातों में ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि समर सीज़न है तो आप ऐसे कपड़े पहन के जाइए जिसमें यू फील कंफर्टेबल, ठीक है, एग्ज़ाम में। इवन ज़रूरी नहीं कि आप शूज़ पहने, आप नॉर्मल स्लीपर्स में, नॉर्मल कॉटन के लोअर्स अगर हों या कॉटन की शर्ट या टी शर्ट हो, तो वो पहन के भी आप एग्जामिनेशन सेंटर जा सकते हैं, पूरा एकदम कंफर्टेबल होकर जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। डेफिनेटली एक दिन का एग्ज़ाम है, 3 पेपर्स हैं, एग्जॉस्टिव पेपर है, शाम को ही आप 4:30 बजे फ्री होंगे, सुबह से आप जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर, लगभग आप 9 बजे एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाओगे, तो एक पूरा दिन है, तो पूरे दिन में आप एग्जॉस्ट ना हो, तो इस चीज़ की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। पेरेंट्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे को क्या उस दिन पहनना है ताकि बच्चा थोड़ा सा कम्फर्टेबल फील करे, ठीक है, क्योंकि समर सीज़न है, पसीना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका पेरेंट्स ध्यान रखें। और खास बच्चों को हाइड्रेट करने के लिए पानी ज़रूर दें, और पानी में कुछ ना कुछ हाइड्रेट बच्चों के लिए मिलाएं ताकि बच्चे डिहाइड्रेट फील ना करें ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, ओके। तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप ज़रूर इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, जिन जिन बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट है RMEC का, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कोई भी डाउट होगा तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अभी कुछ दिन है RMEC के एग्ज़ाम के लिए, उस डाउट के ऊपर मैं चर्चा कर सकता हूँ या बात कर सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, ओके। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट कहूँगा RMEC एस्पिरेंट्स को, बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।